नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन रिफॉर्मर्स में। दोस्तों मेरा नाम अंकित रहा है और आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर जो कि लेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। आज उसका पार्ट फर्स्ट है। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग इस पर वीडियोज़ बनाएं, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें। मैं एक नोट्स तैयार किया हूँ, बहुत ही अच्छा नोट्स है, उस नोट्स को ही आप पढ़ लेंगे तो वही आपके बोर्ड के पेपर के लिए पर्याप्त है। और मैं आपको एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस दूंगा और जगह जगह पे टिप्स और ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को खूब लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें पहले हम लोगों को पढ़ना है कि पहले जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट टू चैप्टर्स में देखा है कि मैटर क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका एक हल्का सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये मैटर क्या था? देखिए यहाँ है मैटर, एक सेकेंड, 1 मिनट। तो आज हमें देखना है कि मैटर का हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि आखिरकार मैटर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि मैटर आखिरकार होते क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैटर, ठीक है। जो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, विच मे बी एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेन। क्योंकि भाई मैटर है तो कई तरीके के मैटर होंगे, तो अगर कई तरीके के मैटर होंगे तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होंगे, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड, उनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज आप हम लोग देखेंगे आज इसमें। इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का, ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का टॉपिक आता है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या है। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में पहला टॉपिक जो आता है वो आता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। देखिए कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में होता है संरक्षण, मतलब संरक्षण हो, संरक्षित हो, सुरक्षित हो, ठीक है, किसी से मतलब कोई दिक्कत ना हो, किसी से मतलब इसको चोट ना पहुंचाया जा सके, मतलब एक होता है ना बेसिक लेवल पे, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। इस लॉ को सबसे पहले दिया था एंटोनिन लेवोजियर ने 1774 में, ठीक है। तो आइए देखते हैं लॉ कहता क्या है, इट इट क्या स्टेट करता है। ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। चलिए इसका एक और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, मतलब जो अगर मान लीजिए ए प्लस बी है बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है सी सी प्लस डी का, तो जो ये साइड होता है ये क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है, और ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता। तो जो केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या कहता है, कैल्सियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 ऑन हीट। कभी भी ध्यान रखिए जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट का हमेशा फॉर्म यही होता है, यही कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, कार्बोनेट मतलब क्या, CO3। अगर इसको रेडिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको होता है CO3 2-, रेडिकल मतलब इसके चार्ज के फॉर्म में, इस पर 2- का चार्ज होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, कहीं भी कार्बोनेट आएगा समझ जाइए वहां CO3 है, ठीक है। और उसको रेडिकल फॉर्म में दिखाना हो तो CO3 2-, 2- क्या है इसका है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज होता है, ये क्या होता है देख लीजिए, ये होता है चार्ज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CO3, इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट अगर हम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, ठीक है, इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर उसको हीट करते हैं लेकर, तो हमें क्या मिलेगा, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए और 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलना चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका एक रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिया,
ये सिंबल जो ट्रायंगल का होता है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट को, ठीक है। मतलब कि हमने उसको हीट किया है, हीट किया तो क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 100 ग्राम। और जो हमने देखा इसको, ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को देखते हैं। चलिए, मास प्रोडक्ट में क्या था हमारा? प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में हमारा क्या आएगा? टू फॉर्म, यहाँ क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना बन रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो क्या हुआ? तो ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे? वही चीज लेंगे। यहाँ मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि CaO है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है। इसको देखेंगे तो 56 ग्राम, 44 ग्राम आया, तो टोटल 100 ग्राम। तो हमें क्या मिला कि टोटल मास ऑफ जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट हमें क्या है? रिएक्टेंट जो है, देखिए यहाँ क्या है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है कि नहीं है? और हमें रिएक्टेंट 100 ग्राम आ गया, और प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ गया? 100 ग्राम। अगर इसको देखिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या मिला? यहाँ 100 ग्राम, 56 प्लस 44 ग्राम क्या हो गया? 100 ग्राम। तो क्या हुआ? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ से क्या मिला? इट शोज दैट नो मास इज क्रिएटेड, मतलब कोई मास क्रिएटेड नहीं हुआ, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो यही लॉ हमें ये बताता है कि मतलब यही लॉ हमें कहते, इसी लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आइए इसका दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? इसका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट, मतलब निश्चित प्रोपोर्शन, मतलब किसी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब किसी एक फिक्स्ड रेशियो में ही हो, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है, प्रोपोर्शन मतलब होता ही है रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। तो ये लॉ जो था पहले दिया था जे एल प्राउस्ट ने 1799 में, 1799 में जे एल प्राउस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। ये लॉ कहता क्या, ये देखते हैं। ये कहता है कि इन अ प्योर केमिकल रिएक्शन, किसी प्योर केमिकल सब्सटेंस, अगर कोई सॉरी प्योर केमिकल सब्सटेंस हो, तो जो द एलिमेंट आर ऑलवेज, जो उसमें जो कोई प्योर केमिकल सब्सटेंस है तो जो उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, तो द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब वो अपने किसी निश्चित प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में ही, किसके रेशियो? मास के रेशियो में उसमें प्रेजेंट रहेंगे निश्चित। जैसे वाटर जो होता है, वाटर में जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हमेशा क्या होता है? 1:8 में होता है इन एवरी केस। किसी को कहीं का भी वाटर ले लो भाई, आप वाटर ले लो, समुद्र का वाटर ले लो, चाहे अपने जो टैप वाटर का, वो टैप वाटर में जो तुम्हारे जो टैप में आता है उस टैप के पानी को ले लो, सभी केसेस में वो क्या होता है? 1:8 का रेशियो। 1 क्या होता है? मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सेम इन ऑल कंडीशन, मतलब ये दोनों, मतलब 1:8 का जो एक रेशियो होता है हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो चाहे कहीं का पानी हो, समुद्र का ले लो भैया, नाली का ले लो, चाहे अपने जो घर में जो यूज करते हो उसका पानी ले लो, कुछ भी ले लो, सेम रहेगा। वही ये लॉ कहना चाहता है कि इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, कोई भी भाई, वाटर भी एक केमिकल सब्सटेंस ही है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, तो जो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मास ऑलवेज याद रखना कि मास के प्रोपोर्शन, मतलब मास को ही हम लोग लेंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या होगा भैया? एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया वाटर का, ठीक है, तो 1:8 में हमेशा इसका रेशियो बरकरार रहता है, चाहे वो कहीं का भी वाटर हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स आपके पर्याप्त है, बस आप जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए, आपके पेपर्स में बहुत ही अच्छे नंबर नंबर और मार्क्स आएंगे, ठीक है। और मैं साथ ही साथ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।